राजद सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजद को आमंत्रित नहीं करने पर सांसदों ने जताई नाराजगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस को चिट्ठी लिखकर चंद्रशेखर पर एक्शन लेने को कहा है। आयोग ने कहा है कि चंद्रशेखर ने ट्विटर पर एक महिला के खिलाफ बेहद अशोभनीय टिप्पणी की है। प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य वापस भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून के आदेश को एक बार फिर दोहराया कि जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए और कोई शुल्क न लिया जाए। मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के छात्र नेता और सीएए विरोधी मुहिम के नेता शर्जील इमाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 राज्यों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी। उन्हें निमोनिया के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सत्येंद्र जैन को ऑन एंड ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जा रहा है और लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा सस्ता। गृह मंत्रालय ने वी के पॉल कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए अस्पतालों में फीस 1/3 करने को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बनी थी कमेटी। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में अब आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन का चार्ज 8,000 से 10,000 होगा। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का रेट 13,000 से 15,000, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का चार्ज 15,000 से 18,000 रुपए होगा। पहले ये रेट 25,000, 43,000 और 54,000 रुपए था। देश में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का कहर। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 13,585 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 336 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,80,000 के पार पहुंचा। 1,63,248 एक्टिव केस, जबकि 2,04,711 मरीज हो चुके हैं ठीक। 12,573 लोगों की अब तक मौत। देश में अब तक 64,26,627 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 1,76,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 53.79% हुआ। यूपी में कोविड टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड। मार्च 2020 से 16 जून तक टेस्टिंग की क्षमता 160 गुना बढ़ी। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 16,546 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पूल टेस्टिंग में भी देश में पहले नंबर पर है यूपी। तेलंगाना में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 352 नए मामले। 6,000 के पार हो चुकी है कुल संक्रमितों की संख्या। अब तक 195 मरीजों की हुई मौत, जबकि 3,301 हो चुके हैं ठीक। तमिलनाडु में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। हायर एजुकेशन मिनिस्टर केपी अनबलगन भी कोरोना पॉजिटिव। मंत्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राज्यसभा चुनाव के लिए कोरोना काल का नियम ताक पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पीपीई किट पहनकर डाला वोट। दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग। आंध्र प्रदेश में 4, एमपी में 3, राजस्थान में 3, झारखंड में 2, गुजरात में 4 सीट के लिए चुनाव, जबकि अरुणाचल, मणिपुर और मिजोरम की 1-1 सीट के लिए वोटिंग। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के 2-2 उम्मीदवार मैदान में। दोनों पार्टियों के 1-1 उम्मीदवार का चुना जाना तय, लेकिन 1 सीट के लिए कांटे की टक्कर। बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों का वोट निर्णायक। गुजरात में 8 विधायकों के इस्तीफे से बिगड़ गया है कांग्रेस का समीकरण। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 4 सीटें जीतने के पूरे आसार। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1 सीट के लिए है कांटे की टक्कर। चीन की हरकत पर भारत की पैनी नजर। आसमान में निगरानी बढ़ाई। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी लद्दाख में तैयारियों का लिया जायजा। लेह लद्दाख में एलएसी के पास सेना ने भी हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग शुरू की। चीन की सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर एरियल पेट्रोलिंग बढ़ी। लेह लद्दाख में दिखी फाइटर जेट गतिविधि। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख विवाद पर केंद्र सरकार से किया सवाल। उन्होंने कहा कि देश की जनता गलवान घाटी के असल हालात के बारे में जानना चाहती है। सरकार लुका छिपी का गेम ना खेले। लद्दाख में भारतीय सेना से झड़प के बाद सैन्य अभ्यास में जुटा चीन। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया वीडियो। किनघई तिब्बत पठार पर मिलिट्री ड्रिल का दावा।
भारत चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बातचीत। लद्दाख में चीन के सैनिकों से झड़प में भारत का कोई भी जवान लापता नहीं, 76 और जवान घायल, सभी खतरे से बाहर, अस्पतालों में इलाज जारी। बॉर्डर पर चीनी सेना की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर, जल थल और आसमान पर बढ़ाई गई तैनाती। नौसेना के P-82 ही विमान के जरिए आसमान पर रखी जा रही है लगातार नजर। एलएसी पर भारतीय सैनिकों की शहादत पर शिवसेना का बेतुका और गैर जिम्मेदार लेख। मुख्य पत्र सामना में लिखा, भारतीय सैनिक थे असावधान, अपने खान पान की वजह से चीन के सैनिक हमारे सैनिकों पर पड़े भारी। घाटशिला के बहरागोड़ा निवासी जवान गणेश बेसरा की शहादत पर उनके साथियों को फख्र। शहीद के साथियों ने उन्हें अलग अंदाज में दी श्रद्धांजलि। युवाओं ने गांव में भारत चीन सीमा बनाकर उस पर फहराया तिरंगा। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर सहरसा पहुंचा। शहीद की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। बिहार के दरभंगा में बीजेपी सांसद अशोक कुमार ने दी लद्दाख में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। मिथिलांचल के लोगों से की चीन के सामान के बहिष्कार की अपील। लहरिया सराय टावर चौक पर बीजेपी ने शहीदों के बलिदान को किया याद। पंजाब के पटियाला में शहीद सूबेदार मनदीप सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गांव के लोगों ने दी शहीद सूबेदार को नम आंखों से अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। जोधपुर के बालेसर कस्बे में ग्रामीणों ने चीनी सामान की जलाई होली। चीनी सामान के बहिष्कार का किया ऐलान। लद्दाख सीमा पर शहीद भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के बीकानेर में हिंदू जागरण मंच ने किया चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर परिसर में चीनी सामान को जलाया और चीन के सामान के विरोध का किया आह्वान। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी, उनको आज नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था, आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कुंभ के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद भी साहित्य और ज्ञान के इतने बड़े पारखी थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का, उनके साहित्य की गहराई का, उनके ज्ञान और शब्दों का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। दो एनकाउंटर में मारे गए 8 आतंकी। अवंतीपुरा के पंपोर में 3 जबकि शोपिया में 5 आतंकियों का खात्मा। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे मारे गए आतंकवादी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 13वें दिन बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 56 पैसे बढ़कर 78 रुपए 37 पैसे और डीजल का रेट 63 पैसे बढ़कर 77 रुपए 6 पैसे हुआ। दिल्ली NCR में बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। आयानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। सफदरजंग में दर्ज हुआ 43 डिग्री तापमान। UPSTF ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल में 52 चाइना ऐप इस्तेमाल न करने की दी सलाह। सभी कर्मचारियों से अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप तुरंत हटाने को कहा गया। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर की कार्रवाई।
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वाले, मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों के काटे चालान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर गन्ना किसानों के खाते में ट्रांसफर की रकम। गन्ना किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर बनाया रिकॉर्ड। इससे पहले किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किया इतना बड़ा भुगतान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर यूपी सरकार के कार्यों की तारीफ की, लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई चिंता। कोर्ट ने सरकार को दिया सिस्टमैटिक टेस्टिंग का सुझाव, ब्लूप्रिंट तैयार कर 25 जून तक पेश करने का भी निर्देश। पटना समेत बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में हुई झमाझम बारिश। पटना के कई इलाकों में सामने आई जल भराव की समस्या, सड़कों के साथ लोगों के घरों में भी घुस गया पानी। बिहार के बांका में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, जमीन कब्जा करने को लेकर विवाद। पटना में बाइकर्स गैंग ने युवक को मारपीट कर किया अधमरा, घायल युवक पीएमसीएच में भर्ती। पुरानी रंजिश का मामला, रॉड बेल्ट और डंडे से युवक की पिटाई। कंकड़बाग थाने में 3 के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के पर्यटक स्थल राजगीर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, शव को गड्ढे में दफनाया। 13 जून से लापता थे दोनों युवक, ब्रोकर का काम करते थे दोनों युवक। आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर। मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, भोपाल में झमाझम हुई बारिश, केवल 3 घंटे में हुई 3 इंच बरसात। ऐशबाग, टीला, जमालपुरा समेत कई इलाकों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में खाद से भरे 2 ट्रकों को किसानों ने लूटा। ट्रक भरे खाद को सहकारी सोसाइटी के जरिए बेचा जाना था। मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना काल में हरियाणा के सोनीपत में होमगार्ड जवान की ईमानदारी आई सामने। सड़क पर गिरे 36,000 रुपए और जरूरी कागजात उसके मालिक को लौटाए। कमांडेंट ने प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित। चेन्नई में आज से 12 दिन का लॉकडाउन शुरू। इस काम के लिए 18,000 पुलिस वालों को लगाया गया और 288 चेक पोस्ट बनाए गए। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की इजाजत। तमिलनाडु में कोरोना के 2,141 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल 52,334 कोरोना संक्रमित, जिनमें से 23,065 ने कोरोना को दी मात। अब तक राज्य में कोरोना से 625 की हुई मौत। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर सोनू निगम भी खुलकर आए सामने। बिना नाम लिए सलमान खान पर साधा निशाना, कहा आज सुशांत मरा है, कल कोई सिंगर म्यूजिक कंपोजर भी मर सकता है। 7 मिनट का वीडियो जारी कर बयां किया दर्द। सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को भेजा नोटिस, जल्द दर्ज करेगी बयान। इस प्रोडक्शन हाउस के साथ सुशांत ने किया था कॉन्ट्रैक्ट। 3 और बड़े प्रोडक्शन हाउस से जल्द हो सकती है पूछताछ। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में गुरुवार को 3 लोगों के बयान लिए गए। सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती, सुशांत की पीआर मैनेजर राधिका निहलानी और सुशांत की मैनेजर श्रुति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के दिए संदेश। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह से अलग होने का विकल्प। ट्वीट के जरिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर के बयान का किया खंडन। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान की नौसेना ने क्रूज मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। ओमान सागर में टारगेट को उड़ाया। क्रूज मिसाइल की 280 किलोमीटर मारक क्षमता है। चीन ने इंसानों पर किया कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन टेस्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,60,000 से ज्यादा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई उम्मीद, साल के अंत तक आ सकती है कोरोना की दवा। 200 से ज्यादा कंपनियां कर रही हैं वैक्सीन पर काम। चीन में कोरोना की फिर हुई वापसी, 32 नए मामले आए सामने। सिर्फ बीजिंग में 25 नए केस। संक्रमण को देखते हुए बीजिंग में सैकड़ों घरेलू उड़ानें रद्द। 3,56,000 लोगों की जांच की गई। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के 1,60,000 के पार। पंजाब और सिंध में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। अब तक 3,000 लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 84,10,400 मामले। 4,50,386 की हो चुकी है मौत।
38,66,200 ने कोरोना को दी मात। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,73,000 के पार। अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बोलिविया में मास्क और पीपीई किट की कमी पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ का विरोध प्रदर्शन। काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी किट की मांग। कोरोना की वजह से अब तक मेडिकल स्टाफ की हो चुकी है मौत।